हाय एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। रितेश सभी को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अब कंपटीशन में करीब 100 लोग बाकी थे। अब किसी भी राउंड के बाद रेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब तब तक ये कंपटीशन चलेगा जब तक स्वर्गीय अदालत को टॉप 10 कंटेस्टेंट ना मिल जाए, और जो भी लोग टॉप 10 में पहुंचेंगे उनके एक्सपर्ट के शिष्य बनने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। वहां से कोई भी एक्सपर्ट अपने पसंद के लड़के को शिष्य बना सकता था, और यही सपना लेकर सभी लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे। और ये भी हो सकता था कि कुछ लोगों को स्वर्गीय अदालत अपने यहाँ हायर कर ले। हालांकि इस बात की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि स्वर्गीय अदालत में शामिल होना आसान काम नहीं था। पिछले कई अरब सालों से स्वर्गीय अदालत ने इस कंपटीशन से किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था। आखिरी मुकाबला शुरू होने से पहले रितेश ने बहुत सीरियस होकर रणवीर से कहा, सीनियर, मेरी स्ट्रेंथ अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुकी है, इसीलिए आगे का मुकाबला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर मैं कोई शक्ति हासिल नहीं कर पाया तो मुझे लगता है मैं हार कर बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनकर रणवीर ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम जितना कर सकते हो उतना करो। तुम यहां तक पहुंच गए ये भी कोई छोटी बात नहीं। अगर तुम आगे जीत हासिल नहीं कर पाते हो तो भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां पर स्वर्गीय अदालत शायद तुम्हें अपने यहां रख ले। और क्योंकि तुम बाहर के इंसान हो इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय अदालत में शामिल होना बहुत बड़ी बात होगी, और जब तक तुम अपने दिल की बात मानते हुए आगे बढ़ते रहोगे तुम्हें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आगे चलकर भविष्य में एक्सपर्ट के लेवल तक जरूर पहुंचोगे, और तुम्हारा भी यही सपना है ना। यह सुनकर रितेश ने अपना सर हिला दिया। वो हमेशा से एक्सपर्ट बनने का ही सपना देखता था, क्योंकि उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ उस लेवल पर पहुंच जाएगी कि वो अपने परिवार, दोस्तों और वंश की हिफाजत कर सकेगा और उन्हें एक अच्छी खुशहाल जिंदगी दे पाएगा। उसके बाद उसे ना कोई परेशान करेगा और ना ही उस पर उंगली उठाई जाएगी। हालांकि उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि वो शायद आगे नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी थी, क्योंकि उसके पास इल्यूशन टेक्निक थी जिसका अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए उसे इस बात का यकीन था कि वो अभी आगे के कुछ राउंड जीत सकता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा आगे जाने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उसके मन में इस बात का भी अफसोस था कि वो अपने सीनियर का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। इस बात के लिए वो रणवीर से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि रणवीर ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने कभी भी रितेश पर फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए दबाव नहीं बनाया था। आगे के राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं थे बल्कि असली कंपटीशन होना था। हर कंटेस्टेंट को वहां पर 9 राउंड लड़ना था, और 9 राउंड के बाद ही उन लोगों की रैंक डिसाइड होगी, और किसकी किससे लड़ाई होगी ये भी पहले से डिसाइड नहीं था। वहां लड़ने के लिए रैंडम तरीके से लोगों को चुना जाएगा। रितेश का पहला मुकाबला जिस लड़के से होने वाला था उसने अपने बालों को बैगनी रंग से रंगा हुआ था। उसका नाम अमित था। उसका नाम वहां के 3 सबसे शक्तिशाली लड़कों के बाद आता था। लोगों को उसके भी चैंपियन बनने की उम्मीद थी। उसने भी बहुत तेजी के साथ अपनी जगह बनाई थी। उसकी स्ट्रेंथ बहुत शानदार थी। इसके साथ ही उसके लड़ने का तरीका बाकी सभी लोगों से बहुत अनोखा था। वो लड़ाई में स्पीड का इस्तेमाल करता था, और उसने इसी के दम पर अभी तक न जाने कितने लोगों को हराया। रितेश भी उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसे पता था कि उन लोगों का आपस में कोई मुकाबला नहीं। अमित उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसका सामना अमित से हो जाएगा। रितेश को देखकर अमित के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, तो तू वो किस्मत वाला लड़का है जिसे एक्सपर्ट ने चुना था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुझमें ऐसा क्या नजर आ गया है जो एक्सपर्ट ने तुझ पर इतना बड़ा दांव लगा दिया। लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। इंसान का साथ हमेशा कोई चीज देती है, तो वो है उसकी स्ट्रेंथ जो कि तेरे पास नहीं। चलो खैर, आज तेरा किस्सा खत्म हो जाए। अमित बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वहां के 3 शक्तिशाली लड़कों अभिराम, पंकज और जतिन से कम थी। इन 3 लड़कों के अलावा कोई भी उसे नहीं हरा सकता था, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो सामने आकर उसे लड़ने के लिए ललकार सके। अमित जल्द से जल्द उन 3 लड़कों से टकराना चाहता था ताकि अपनी ताकत को प्रूव कर सके।
इस कंपटीशन में उसने चौथी पोजीशन हासिल कर ली थी, लेकिन अभी भी सभी लोगों को लगता था कि वो उन तीनों लोगों को नहीं हरा पाएगा। रितेश अशोक के जितना भी शक्तिशाली नहीं था। उसकी अभी तक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ तक पहुँच गया था। अंडर परफॉर्म होने के बाद भी उसे एक्सपर्ट ने चुना था, ये सुनकर सभी को उससे बहुत जलन हो रही थी। अमित को पता था कि अगर उसे स्वर्गीय अदालत में शामिल होना है तो इस कॉम्पिटिशन में उसे टॉप करना पड़ेगा, लेकिन अभिराम, पंकज और जतिन को हराना उसके लिए आसान काम नहीं था। वो तीनों लोग अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। जब से ये कॉम्पिटिशन शुरू हुआ था तब से हर राउंड में उन्हें सफलता हासिल हुई थी। अमित ने आगे कहा, मैं तुम्हें चाल चलने का एक मौका दूंगा, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करने वाला हूं, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि एक्सपर्ट ने तुम्हें क्या सिखाया है। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वो जानता था कि वो एक ही वार में रितेश को हरा देगा, इसलिए उसे रितेश से लड़ने की कोई जल्दी नहीं हो रही थी। वो उसकी बेइज्जती करना चाहता था। उसकी बात सुनने के बाद रितेश तुरंत ही वॉइड समाधि शक्ति के जरिए वहां से गायब हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और पलक झपकते ही वो अमित के पास पहुंच गया। ये देखकर अमित के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने घमंड के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, तुम्हारे पास वॉइड समाधि शक्ति का दूसरा लेवल है, मेरे सामने इस तरह की हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये बहुत मामूली सी बात है। ये कहने के बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में एक शानदार तलवार आ गई जिसमें से बैगनी रंग की रोशनी निकल रही थी। रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रोशनी में कई सारे राक्षसों की ताकत हो। उसके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि वॉइड समाधि शक्ति के अंदर भी रितेश को इधर उधर चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। अमित ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया तो उसकी ताकत से रितेश उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरा। उसके पहले ही वार से रितेश का बुरा हाल हो गया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो गया था कि अमित कितना ज्यादा पावरफुल है। उन दोनों के स्ट्रेंथ के बीच जमीन और आसमान का अंतर था, लेकिन रितेश ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो सोच रहा था चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो बिना लड़े पीछे नहीं हटेगा। ये सोचकर वो उड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इस बार अपनी इल्यूजन टेक्निक का उसने इस्तेमाल किया जिससे अमित एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। और इसके साथ ही वॉइड समाधि शक्ति के इस्तेमाल के साथ साथ रितेश ने अपनी बाकी शक्तियों का भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। ये देखकर अमित हैरान हो गया, वो उसकी इल्यूजन टेक्निक का शिकार हो गया था। रितेश जैसे ही उसकी आंखों के सामने आया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। रितेश ने अपनी तलवार उठाई और अमित पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया। उसकी तलवार अमित के शरीर के आर पार हो गई। ये नजारा देखकर वहां सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। रितेश का यह हमला इतना जबरदस्त था कि अमित बुरी तरह से घायल हो गया था। रितेश तलवार बाहर निकाल कर बार बार उसके शरीर में घुसा रहा था, लेकिन उसी वक्त रितेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अमित के शरीर में तलवार बहुत आसानी से आर पार हो जा रही थी। इसके लिए उसे जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि तलवार हवा के आर पार जा रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे अचानक से अपने पीछे एक खतरनाक औरा आता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये कौन है, अमित तो उसके इल्यूजन में है, तो फिर ये कौन हो सकता है। तभी उसे लगा जिसने उसे तलवार से मारा था वो अमित नहीं था, ये उसका असली शरीर नहीं था बल्कि कोई छलावा था, और असली अमित उसके पीछे। ये देखकर हर इंसान कंफ्यूज हो गया। एक लड़के ने कहा, यह है अमित की असली ताकत, मैंने पहले भी सुन रखा था कि इसने किसी सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसने बुद्धा क्लोन की प्रैक्टिस की, ये तो एक अल्टीमेट आर्ट है। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बुद्धा क्लोन आर्ट, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसने कितनी आसानी से अपने शरीर का क्लोन बना लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अमित ने इतनी शानदार शक्ति हासिल कर रखी। इस पर पहले वाले लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि इसके परफेक्शन लेवल की प्रैक्टिस करने के बाद 10,000 क्लोन बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित अभी सिर्फ 4-स्टेप देवता है, और एक देवता इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकता है। तुम देख रहे हो उसका क्लोन कितना शानदार था, कोई जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसमें असली कौन है और नकली कौन सा है। रितेश भी बहुत हैरानी से उसे देख रहा था, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमित के पास बुद्धा क्लोन की शक्ति है। उसने भी इस शक्ति के बारे में सुन रखा था लेकिन अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। वो जानता था कि ये एक सीक्रेट आर्ट है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम है,
और देवता लेवल के लोग तो इसके प्रैक्टिस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और अमित ने उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। हालांकि वो उसके परफेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसने इतने लेवल हासिल कर लिए थे कि इस कॉम्पिटिशन में वो आराम से जीत सकता था, और इस शक्ति की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत शानदार हो गई थी। रितेश का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन अब वो मैदान में कूद गया था, इसलिए उसे लड़ना ही था। इस लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, वो इसे बीच में नहीं छोड़ सकता था। उसने मन ही मन कहा, मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं अमित का सामना कर सकूं। अगर मुझे उससे लड़ना है तो मुझे कोई शक्ति हासिल करनी पड़ेगी। अब ये जिंदगी और मौत का सवाल है, और मेरे सीनियर की इज्जत का सवाल है। और मेरे सीनियर ने कहा था कि ज्यादा बड़ी शक्ति हमेशा लड़ाई के बीच में या फिर खतरों में ही हासिल की जाती है। जो जितने खतरों के बीच जाता है, उसका उतना पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। मेरे पास सर्वस्व ताओ, पंचतत्व और इल्यूशन टेक्निक है। मुझे इनमें से किसी का अगला लेवल हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी, और बिना उसके मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस लड़ाई के बीच में नया लेवल हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। रितेश अब ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था कि उसे अमित से जीतने के लिए अपनी शक्तियों को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा यकीन था, उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। वहीं दूसरी तरफ अमित अब उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने पूरी ताकत के साथ रितेश पर हमला कर दिया, जिससे रितेश लुढ़कता हुआ मैदान के किनारे पर पहुंच गया था। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा कर पाया था। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था। इस कॉम्पिटिशन में उसने अब तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन ये पहली लड़ाई थी जिसमें उसका इतना नुकसान हुआ था। वो अमित की ताकत देख कर बहुत ज्यादा हैरान था। अमित ने उससे कहा, एक्सपर्ट से सैकड़ों साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद भी तेरा ये हाल है? तेरे पास जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं? तुझे इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन तूने उस मौके को गवा दिया। तेरी जगह कोई और होता तो तू उससे कई गुना अच्छा परफॉर्म करता। तू पहले भी कमजोर था और आज भी कमजोर है। तुझे मौके का फायदा उठाना नहीं आता है। अब क्या करेगा रितेश? क्या वो हार को स्वीकार कर लेगा, या फिर अमित से मुकाबला करने के लिए कोई शक्ति हासिल करेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए देव। स्वर्गीय अदालत का सिलेक्शन अब आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था। अब सभी पार्टिसिपेंट को 9 लोगों से मुकाबला करना था, और अंत में टॉप 10 कंटेस्टेंट चुने जाने थे। रितेश का पहला ही मुकाबला वहां पर चौथे सबसे शक्तिशाली इंसान अमित से हो गया था। अमित के पास बुद्धा क्लोन शक्ति थी। उसके हमले से रितेश दूर जाकर गिरा, और अमित ने कहा, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेने के बाद भी तो कुछ नहीं कर पा रहा। वो रितेश को बहुत ही गिरी हुई नजर से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रितेश को ये मौका क्यों दिया गया था। वहीं अमित का एक एक शब्द रितेश के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर देख ली थी, लेकिन अमित का सामना नहीं कर पाया था। रितेश ने उसे अपने इल्यूशन में कैद करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अमित बहुत गुस्से में था। उसने आगे कहा, चल इस लड़ाई को भूल जा, तू मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं है। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, तूने देख लिया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। क्या तू अभी भी मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहा है? रितेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर अमित का सामना कर सके, लेकिन उसे उसकी बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो जानता था कि जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसे इस तरह की बेइज्जती का सामना करना ही पड़ता है। लोग अपने से कम ताकतवर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वही आज रितेश के साथ हो रहा था। और आज पहली बार उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगी थी, लेकिन रणवीर से ट्रेनिंग लेने के बाद उसने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। अब अमित की बातों से उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जैसा कि पहले बेइज्जत होने पर वो महसूस करता था। उसकी हिम्मत भी नहीं टूटी थी, और वो आसानी से हारना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि जो मौका उसे मिला है वो जल्दी किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए वो पीछे नहीं हटना चाह रहा था। और फिर ये उसके सम्मान का सवाल था, और इस मौके पर उसके और उसके परिवार की जिंदगी निर्भर करती थी। उसे अपनी माँ का बदला लेना था,
और उसके बाप ने जो दर्द सहा था उसका हिसाब करना। वो अपने वंश के लोगों को अच्छा जीवन देना चाहता था, इसीलिए वो हार नहीं सकता था। उसे हर हाल में लड़ना पड़ेगा, चाहे इस लड़ाई में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया था, इसीलिए उसे अब सब कुछ साफ साफ नजर आना शुरू हो गया था। वो वॉइड समाधि शक्ति के बारे में सोच रहा था। इसका ख्याल आते ही उसका दिल जोरों से धड़क गया। वो सोच रहा था कि शक्ति का गलत तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा था। वो पहले जो कुछ भी सोचता था वो सब गलत था, बिल्कुल गलत था। इसी वजह से उसे अजीब महसूस होता था। उसे वॉइड समाधि शक्ति की ताकत जैसे ही सही में समझ में आई, वो तुरंत ही उसका इस्तेमाल करके गायब हो गए। इस बार उसे पहले की तरह महसूस नहीं हो रहा था। इस बार सब कुछ बदला हुआ था। वहां कोई भी उसका ऑरा तक महसूस नहीं कर पा रहा था। वो पूरी तरह से गायब हो गया था। वो कहां था ये कोई भी नहीं पता लगा सकता था। ये देखकर अमित भी बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक से सब कुछ पलट जाएगा। उसने मन में कहा, इसने वॉइड समाधि शक्ति का तीसरा लेवल हासिल कर लिया। ये सोचकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। बहुत देर तक अमित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रितेश ने उसके सामने अपनी शक्ति को अपग्रेड कर लिया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अब रितेश उसके चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन उसको इसका जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसे रितेश की लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन रितेश की लोकेशन का पता नहीं लगा पाए। लड़ाई के बीच में शक्ति हासिल करना आसान काम नहीं होता है। रितेश ये लड़ाई लगभग हार चुका था। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा चमत्कार करेगा। वहां खड़ा हर इंसान ये देखकर हैरान था कि रितेश ने लड़ते लड़ते अपनी शक्ति को अपग्रेड कर लिया। वॉइड समाधि शक्ति का तीसरा लेवल हासिल करने से उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रणवीर से ट्रेनिंग लेने की वजह से उसका टैलेंट और पोटेंशियल भी पहले से काफी इंप्रूव हो गया था। जब वो तीसरे राउंड से बाहर हुआ था तब उसका टैलेंट बहुत वीक था, लेकिन रणवीर की ट्रेनिंग से उसमें जबरदस्त तरह से बदलाव हुआ। वो कमजोर से शक्तिशाली बन गया था। बिना उसकी ट्रेनिंग के वो वॉइड समाधि शक्ति के तीसरे लेवल तक पहुंचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ये शक्ति हासिल कर पाते। वॉइड समाधि शक्ति एक सुप्रीम ताऊ थी, और देवता लेवल का कोई इंसान सुप्रीम ताऊ की प्रैक्टिस करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने इसकी शुरुआत जीरो से की थी और कुछ ही सालों में इसका तीसरा लेवल हासिल कर ली। इसमें रणवीर की ट्रेनिंग का असर तो था ही, लेकिन उसने भी अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। वो एक ऑर्डिनरी इंसान से जीनियस बन गया था। उसकी बड़ी हुई ताकत को देखकर सभी लोगों को उससे जलन हो रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये तो कमाल हो गया। मैंने वॉइड समाधि शक्ति के तीसरे लेवल को हासिल कर लिया, और ये लेवल तो बहुत शानदार है। इससे मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अमित मेरी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगा। मेरा ऑरा भी पूरी तरह से गायब हो गया है। अब अमित मुझे नहीं हरा सकता। वो अमित के चारों तरफ घूम रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब उसे जरा सा भी डर महसूस नहीं हो रहा था। उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। लड़ाई के बीच में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियों को अपग्रेड कर पाते। इस शक्ति के जरिए रितेश खुद को अमित की नजर से छुपा तो सकता था, लेकिन उसे अभी भी हरा नहीं सकता था। उसकी और अमित की स्ट्रेंथ अभी भी काफी अंतर था। उसे जीतने के लिए उसे सर्वस्वताओं का अगला लेवल हासिल करना पड़ेगा, या फिर पंचतत्व या इल्यूशन टेक्निक का अगला लेवल हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो पासा पलट पाएगा। लेकिन इन सभी शक्तियों का अगला लेवल हासिल कर पाना आसान काम नहीं था। सैकड़ों सालों में उसने इन शक्तियों को हासिल किया था, और इतनी जल्दी उनका अगला लेवल हासिल करना इम्पॉसिबल बात थी। अमित के अलावा वो अपने खास प्रतिद्वंदी अशोक के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि उसका असली मुकाबला तो उसी के साथ होना था। और वो जानता था कि अशोक भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और उसे हरा पाना भी अभी उसके बस की बात नहीं। और अगर उसे फर्स्ट पोजीशन पर आना है तो फिर बाकी तीन लड़कों को भी हराना पड़ेगा। उसने कहा, क्या फायदा हुआ तीसरे लेवल को हासिल करने का? मैं अभी भी कमजोर हूं। मैं सिर्फ इसकी मदद से जीत हासिल नहीं कर सकता हूं। वो अपने मन में ये सोच रहा था कि तभी अमित ने कहा, मैं आज तुझे दिखाता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये कहने के बाद एक के बाद एक उसके कई सारे क्लोन बाहर निकल आए। देखते ही देखते वो 1000 से ज्यादा हो गए, और उन सभी ने पूरी जगह को घेर लिया था। रितेश अब उन सभी के बीच में था। वो सभी एक समान शक्तिशाली थे।
अगर उन्होंने एक साथ हमला कर दिया तो रितेश का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं अमित का असली शरीर उन सबसे अलग आजाद घूम रहा था। वो अपने दिमाग से जो भी आदेश देगा वो क्लोन फॉलो करेंगे। इसके अलावा उसके कुछ क्लोन के मरने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसकी ये सीक्रेट आर्ट बहुत खतरनाक थी। उसके इतने सारे क्लोन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि अमित ने बुद्धा क्लोन सीक्रेट आर्ट की इस लेवल पर प्रैक्टिस कर रखी है। वहां के तीन सबसे शक्तिशाली लड़के भी उसको हैरानी से देख रहे थे। उन्हें भी अमित की ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जानते थे कि इस लड़ाई में उन लोगों का सामना भी अमित से जरूर होगा और उसे हरा पाना उनके लिए अब मुश्किल हो सकता है। हालांकि उन लोगों की स्ट्रेंथ कम नहीं थी, लेकिन एक साथ हजारों क्लोन का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। वहीं आसमान में खड़े तीन लोग इस लड़ाई को बड़े गौर से देख रहे थे। हर तरफ इस लड़ाई की चर्चा हो रही थी। रणवीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो इस तरह की लड़ाई पहले लड़ चुका है। उसके लिए लड़ाई सिर्फ एक शर्त थी। वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझ रहा था। रघु और उसके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। ये लड़ाई स्वर्गीय अदालत के समारोह का हिस्सा थी जिसमें कोई भी किसी भी तरह की शर्त लगा सकता था। रघु ने कहा, तुमने अपने लड़के को बहुत शानदार ट्रेनिंग दी, इसलिए इतने कम समय में ये इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गए। तुमने कमाल कर दिया। इस पर रणवीर ने कहा, मैंने कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी है, ये तो उसकी मेहनत और किस्मत का नतीजा है। मैंने उसे सिर्फ कुछ पॉइंटर्स बताए थे, बाकी सारी मेहनत उसी की। और वैसे भी मैं दूसरों को सिखाने में बहुत अच्छा नहीं, उसने आगे कहा। और फिर मैं ये लड़ाई फर्स्ट प्लेस हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे इसमें हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दूसरों के मनोरंजन के लिए। लोगों ने इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। ये सुनकर रघु ने हंसकर कहा, तो फिर तुम मेरे जीतने का इंतजार करो। इस पर रणवीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, और फिर हारने पर मुझे तुम्हें ड्रैगन सलाइवा वाइन तो देनी ही पड़ेगी। वैसे भी मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं, वो सिर्फ एक ड्रिंक ही तो है। लेकिन तुम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मुझे हरा दोगे, लेकिन जब तक लड़ाई ख़त्म ना कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। बाजी पलटते हुए देर नहीं लगती। ये सुनकर रघु ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन इस समय जो हालात हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि तुम्हारा जीत पाना नामुमकिन। तुमने जिस लड़के को चुना है उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन फिर भी वो इस लायक नहीं बन पाया है कि वो इस लड़ाई को जीत पाए। ये बात सही है कि उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है। और फिर सिलेक्शन अपने अंतिम मुकाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, पर इतने कम समय में वो अपनी ताकत को हथियार बना के चमत्कार नहीं कर सकता है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुमने बहुत बार लड़ाई के बीच में शक्ति हासिल की है, लेकिन हर कोई रणवीर नहीं होता है। इस पर रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हारे लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भी तो तीसरे राउंड से बाहर हो गया था। इस पर रघु ने कहा, मेरा लड़का तुम्हारे लड़के से काफ़ी अलग है। सच कहूँ तो ये शर्त जीतना तुम्हारे लिए आसान काम नहीं। मैंने सब कुछ सोच समझ कर तय किया था। इस लड़के पर मेरी नज़र शुरू से थी। इस लड़के का शरीर बहुत खास है। इसके शरीर को रियर डार्कनेस बॉडी कहा जाता है, और ऐसा शरीर आसानी से पुनर्जन्म हासिल कर सकता है। इसीलिए मैंने उसे समसारा ताऊ की ट्रेनिंग दी। इसे सीखने का उसके पास नेचुरल एडवांटेज है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उसकी बॉडी को एक्टिव कर दिया है और अब उसका शरीर चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरी ट्रेनिंग के बाद उसकी स्ट्रेंथ जबरदस्त तरह से बढ़ गई है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में वो इतनी ज़्यादा तरक्की करे। उसने आगे कहा, वो बहुत कम समय में ही फोर स्टेप देवता बन गया था। अगर यहाँ नियमों पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुई तो फिर तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। ये सुनकर रणवीर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने आज से पहले कभी भी डार्कनेस बॉडी के बारे में नहीं सुना था। उसे इस बात की हैरानी तो बहुत हो रही थी कि अशोक इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। आठवें राउंड के बाद तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था और उसकी स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ती चली गई, और इसका कारण उसे अब समझ में आ रहा था कि उसके पास नेचुरल एडवांटेज था। इसका मतलब ये हुआ कि रघु ने उसके साथ धोखा किया था। क्या होगा इस कॉम्पिटिशन का अंजाम? क्या रितेश जीत पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारा चैनल एम के स्टोरी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।